हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। सो प्यारे बच्चों, जैसा कि आज सीबीएसई के प्यारे प्यारे क्लास 10th वाले बच्चों का हिंदी का पेपर था और बच्चों का जो रिएक्शन निकल कर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बच्चों ने आज पेपर को फोड़ डाला, आग लगा डाला। और ये सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बहुत सारे बच्चों का आज हिंदी का पेपर नहीं था, कोई बात नहीं। बट प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी ने अपना मेन सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश, मैथ्स हो गया, संस्कृत हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, ऑलमोस्ट सारे मेन सब्जेक्ट को आपने अच्छे से टैकल किया है प्यारे बच्चों। और जो अब हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट का जो पेपर बचा हुआ है वो है 23 मई को कंप्यूटर एप्लीकेशन का, एज वेल एज 24 मई को आईटी का। यानी कुछ बच्चों का 23 को लास्ट पेपर है तो कुछ बच्चों का 24 मई को। तो प्यारे बच्चों, ये वाला वीडियो कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए है। और ये वीडियो में मैं बिल्कुल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ आपके लिए लेकर आ चुका हूं बेस्ड 4 डेज का प्लान, जिसको आप फॉलो कीजिएगा तो यकीन मानिए 100% आपके टर्म 2 के पेपर में 25 out of 25 मार्क्स जरूर आएंगे। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि हमारा लगभग सारा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन, मोर देन 90% क्वेश्चन मैथ, साइंस और सोशल साइंस के पेपर में देखने को मिला है। बच्चों के पेपर में वो सारा क्वेश्चन आया था जो हमने करवाया था, और कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर भी जो हम करवाएंगे वही क्वेश्चन आएगा। बस आपको अच्छे से फॉलो कर लेना है। और प्यारे बच्चों, एक चीज और कि जो आईटी वाले बच्चे वो टेंशन ना ले, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो होने वाला है। ये वीडियो में मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले बच्चे को प्रायोरिटी दिया है क्योंकि इनका एग्जाम आपसे एक दिन पहले है, ठीक है। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले बच्चे एक सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, मैं बेस्ट 4 डेज प्लान की बात करूं, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर एप्लीकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बच्चे अब तक उतना अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते। यस, इसलिए जो आपके लिए ये 4 दिन का टाइम दिया गया है गैप, वो आपके लिए सफिशेंट तो है बट बच्चे पढ़ते नहीं है, इसलिए ये 4 दिन आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। पढ़िएगा ना, मेहनत तो कीजिएगा। यस सर जी, हम लोग मेहनत करने के लिए रेडी है। अगर आपका आंसर ये है देन वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, मैं प्लान के बारे में आपको बताऊं, ये प्लान को स्टार्ट करूं उससे पहले फटाफट एक सब्सक्राइब और एक लाइक कर दीजिए। इसमें कंजूसी नहीं होना चाहिए, इससे हमारा जोश हाई होता है। सो आई होप कि आपने अब तक कर दिया होगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बोला, ये वाला प्लान थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा यूनिक है। कैसे? सबसे पहले अगर मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन का चैप्टर्स की बात करूं टर्म 2 का, तो इसमें आपका 4 चैप्टर है। इंटरनेट बेसिक्स, दूसरा इंटरनेट सर्विसेज एंड मोबाइल टेक्नोलॉजीज, तीसरा वर्किंग विद टेबल्स इन HTML एंड फोर्थ वाला चैप्टर लिंक्स एंड CSS इन HTML। अब देखिए, कुछ कुछ बुक में देखिएगा तो बताता है कि 6 चैप्टर है, बट वो क्या करता है, एक चैप्टर को जो मैंने बताया उसको 2 चैप्टर में ब्रेक कर देता है, ठीक है। आई होप ये यहां तक आपको क्लियर होगा। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपके लिए बेस 33 पेजेस का एक इंपॉर्टेंट PDF आपके लिए प्रिपेयर किया है, और इसमें आपका पूरे चैप्टर को डिटेल से मैंने टॉपिक वाइज डाल रखा है। और अगर आप ये कर लेते हैं जो मैं प्लान बना रहा हूं उसके तहत, तो आई एश्योर्ड यू कि आपका 25 मार्क्स कहीं पर भी नहीं जाने वाला है। तो यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहले एक PDF बनाया है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्लीज ध्यान से सुनिएगा आपको कैसे करना है। तो अगर आप ये वाला वीडियो 18 मई को देख रहे हैं, यानी जिस दिन आपका हिंदी का पेपर था उस दिन देख रहे, देन वेल एंड गुड। बट अगर आप 19 को भी देख रहे तो भी नो प्रॉब्लम, आपके लिए भी वीडियो इक्वली वैलिड है। तो जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी दिन आपको क्या करना है कि पेज नंबर 1 से, यानी कि इंटरनेट बेसिक से जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, यहां से आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। इसको आप लोग एक एक करके हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, वर्किंग ऑफ इंटरनेट एक एक करके आपको नीचे तक आना है प्यारे बच्चों। उसके बाद WWW है, उसके बाद टाइप्स ऑफ URL, डोमेन वगैरह, ये सारा इस वाले चैप्टर के अंदर आता है, ओके। तो नीचे आते आते आप लोगों को यहां तक, यानी कि आप देख सकते हैं पेज नंबर 8 या 9 जो भी होगा, यहां तक आपको 19 अप्रैल का 6 PM तक एनी हाउ कंप्लीट कर
कर लेना। अरे कितना टाइम लगेगा, मैंने तो काफी ज्यादा टाइम दे दिया है। आसानी से 19 मई तक 6 PM तक आपको यहाँ तक पेज नंबर 8 तक आपको हर हाल में इस वाले नोट से जो मैं आपको दे रहा हूँ उससे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। अगर आपके पास कोई और बुक है तो वहाँ से भी ये वाले चैप्टर को कर लेंगे तो चलेगा। अल्टीमेटली मेरा एम क्या है कि 6 PM तक 19 अप्रैल का आपको चैप्टर 1 अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद 19 मई को ही 6:30 PM से आपको चैप्टर 2 में जम करना है। और चैप्टर 2 का नेम क्या है, इंटरनेट सर्विसेज एंड मोबाइल टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 19 मई का 6:30 PM के बाद से आपको स्टार्ट करना है पहले टॉपिक से, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। उसके बाद सर्च इंजन, थोड़ा सा नीचे आइए, सर्च इंजन का वर्किंग वगैरह। उसके बाद और नीचे आइए प्यारे बच्चों, वेब सर्विसेज एंड ईमेल। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आइए, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईमेल। यहां तक आपको 19 मई के रात को सोने से पहले तक कंप्लीट कर लेना, जो कि आप आसानी से कंप्लीट कर सकते, कर लीजिएगा ना, मुझे पूरा भरोसा है आसानी से आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, 20 मई को मॉर्निंग में उठते ही आपको स्टार्ट करना है ये वाले टॉपिक से, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यहाँ से स्टार्ट करना है। उसके बाद ई रिजर्वेशन, ई बैंकिंग, सारा कुछ आपको करते करते आना है। और जो चैप्टर का एंड होता है MMS से, यानी कि मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विसेज तक, यहाँ तक यानी कि पूरा चैप्टर को 20 मई का 12 नून तक आपको कंप्लीट कर लेना है, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, यहां तक कर लीजिएगा। उसके बाद 28 मई, मतलब कि 20 मई से ही 12:30 AM, माफी चाहूंगा यहां पर PM होगा प्यारे बच्चों, तो 12:30 PM ऑफ 20 मई से आपको चैप्टर 3 स्टार्ट कर देना है, जिसका नेम है वर्किंग विथ टेबल्स इन HTML। यहां से स्टार्ट करना है, थोड़ा सा नीचे जाइए, आपको नीचे जाते जाना है। ये वाले पूरे चैप्टर को आपको एंड ऑफ 28 मई तक कर लेना है, यानी 20 मई खत्म होने तक आपको ये वाला पूरा चैप्टर कर लेना है। आसानी से कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, क्या 8 घंटा में एक चैप्टर नहीं होगा आप कंप्यूटर एप्लीकेशन का, आसानी से हो जाएगा। तो यहां तक आपको कर लेना है, ठीक है। अब हमारे पास 2 दिन का टाइम बचा हुआ है, 21st एंड 22nd, 2 दिन का फ्रेश टाइम बचा हुआ है। और चैप्टर कितना बचा हुआ है, मात्र 1 बचा हुआ है। अगर आपको ये शेड्यूल समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक अगर अभी तक आपने नहीं किया तो हमारे एफर्ट के लिए जरूर कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको 21 मई को सुबह उठते ही चैप्टर नंबर 4 लिंक्स एंड CSS इन HTML ये वाले नोट से करना स्टार्ट करना है। अगर आपके पास कोई और बुक है या कोई और नोट से तो वहां से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आपको ये वाले चैप्टर को स्टार्ट करना है 21 मई को उठते ही, आपको स्टार्ट करना है लिंकिंग वगैरह, सारा टॉपिक को आपको करते करते आना है। एंड जो ये वाले चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा नीचे आएगा तो ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका लास्ट टॉपिक है। ये वाले टॉपिक को मल्टीपल स्टाइल शीट्स, ये वाले टॉपिक तक आपको 3G यानी कि 3rd जनरेशन 4th जनरेशन, यहां तक आपको 4 PM ऑफ 21 मई तक कर लेना है, ठीक है। यानी 21 मई का 4 PM तक आपको चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट कर लेना है, कर लीजिएगा। अरे आसानी से कर पाएगा, मैंने तो काफी ज्यादा टाइम दे दिया, इतने में आप लोग आसानी से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी भी हमारे पास 1.5 डेज का टाइम बचा हुआ है और हमारा सारा कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। बट जो हमारा टाइम बचा हुआ है अब उसमें क्या करना है, तो प्यारे बच्चों 4 PM के बाद 21 मई का जो आपके पास टाइम बचा हुआ है उसमें आप लोग क्या कीजिएगा, चारों चैप्टर को जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेना है। अगर आपका कोई टॉपिक छूट गया है तो आपको इसी वाले टाइम में करना है, यस 21 मई का 4 PM के बाद रिवाइज करना है। एज वेल एज जो टॉपिक आपका छूट गया है वो भी आपको 21 मई को ही कंप्लीट कर लेना है।
अब हमारा 21 मई भी कंप्लीट हो गया, अब हम लोग चलते हैं 22 मई को। तो प्यारे बच्चों हमने क्या किया, सारा नोट्स कर लिया, हमने पूरा चैप्टर कर लिया, बट हमने अभी क्वेश्चन कहाँ लगाया है, तो 22 मई को सुबह उठते ही और 4 PM तक, आप समझ रहे, सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक आपको ये चारों चैप्टर्स का क्वेश्चन करना है। सर कौन से क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, अगर आपके पास कोई बुक है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो मैं हूं ना, मैं ये चारों चैप्टर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो कि आपको इस वाले ड्यूरेशन में अच्छे से कर लेना है। क्या कीजिएगा ना, यस सर जी हम लोग करेंगे, वेरी गुड। तो इसी के साथ 22 मई का 4 PM के साथ आपका एनर्जी जोश इतना हाई हो जाएगा कि आपको लगेगा अरे भाई पेपर अभी होगा तो अभी मैं 25 out of 25 फोड़ के आऊंगा, बट ये आपका जोश और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए, कॉन्फिडेंस लेवल और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए, इसलिए 22 मई को ही 4 PM के बाद आपको 2 से 3 मॉडल पेपर बस गो थ्रू कर लेना है, आपको लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करना। अरे 2 घंटा में 25 नंबर का पेपर है, आसानी से कर लीजिएगा, छूटेगा नहीं, इसलिए पेपर को लिख लिख के मैं बोलूंगा ना ही कीजिए, बस 2 से 3 मॉडल पेपर जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, वो आपको गो थ्रू कर लेना है। मैं आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा, उसको आपको क्या करना है, अच्छे से गो थ्रू कर लेना है, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा कि आप सभी प्यारे बच्चे 25 out of 25 फोड़ने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा 4 दिन का प्लान, जो कि मैंने अच्छे से बता दिया, नोट्स को दिखा दिखा के बता दिया, थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे मैंने ये वाला वीडियो बनाया था। तो सर आपने ये सारा कुछ बता दिया, अब मुझे बता दीजिए कि जो आप नोट्स दिखा रहे ये हमें कैसे मिलेगा, इसका PDF। तो प्यारे बच्चों इसका PDF मैंने टेलीग्राम में दे दिया है, नेम है फास्ट एजुकेशन आर्मी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। बट अगर कोई बच्चा टेलीग्राम नहीं चलाता तो उनके लिए डायरेक्ट गूगल ड्राइव का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। सो प्यारे बच्चों ये वाला जो प्लान है उसको बनाने में हमने काफी ज्यादा एफर्ट डाला है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि कितने बच्चे ये वाले प्लान को फॉलो करेंगे। अगर आप फॉलो कीजिएगा तो कमेंट करके बता दीजिए कि यस सर मैं ये वाले प्लान को फॉलो करूंगा या फॉलो करूंगी, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। सो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर इसके बीच आता रहेगा, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा, PDF मैंने बता दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जय हिंद जय भारत।